हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंशदीप रेसिपीज। तो आज हम बनाएंगे सोया और ओट्स का बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट और आपको टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी को। तो यहाँ मैंने न्यूट्रेला का सोया चंक्स लिया है, मिनी सोया चंक्स। तो इससे मैं आधा कप सोया चंक्स जो है वो मैं बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने से क्या होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं सोया चंक्स। तो थोड़ा सा नमक डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे अब हम कर लेंगे बॉईल। और थोड़ी ही देर में बॉईल होकर ये तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है, एक सीटी में ही ये बॉईल हो जाता है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से ये बॉईल होकर तैयार हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मैंने डाल दिया है और इससे ठंडा होने के बाद हम अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे, निचोड़ लेंगे इसे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और उसके बाद हम इसे रेसिपी में यूज़ करेंगे। ये इसे मैंने अच्छे से स्क्वीज़ करके निकाल लिया है। और इसके साथ ही मैंने लिए हैं कुछ वेजीज, ऑनियन और ग्रीन चिलीज। तो इसके साथ हम बनाएंगे सोया और ओट्स का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और आधा कप ओट्स को मैं अच्छे से भून लूँगी। तो ओट्स को पकाने से पहले थोड़ा सा भून लेते हैं ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो लीजिए, ये ओट्स भून कर हो गया तैयार। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने निकाल लिया है और उसी कढ़ाई पर सिर्फ 2 छोटे चम्मच मैंने तेल लिए हैं और तेल गर्म हो गया है मेरा। मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा, फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ मैंने प्याज बारीक कट कर लिया है और प्याज डालने के बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसे अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें इसे। और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च और गाजर, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च और गाजर को भी हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद जो हमने सोया चंक्स उबाल के रखा था ना, उसे डालकर भून लेंगे। और इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई मसाले। तो ड्राई मसालों में हमें डालना है हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पर डाला है जीरे का पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल बहुत ही कम यूज़ किया है मैंने, यहाँ आप देख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बनकर होता है तैयार और प्रोटीन से भरपूर होता है ये ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, पानी मैंने यहाँ 1.5 कप डाला है। यदि आप थोड़ा सा लिक्विडी जैसा बनाना चाहते हैं ओट्स को, तो आप 2 कप पानी डाल लीजिए। और इसके बाद इसे अच्छे से उबलने देंगे और उबलने के बाद इसमें डाल देंगे ओट्स जो हमने भून कर रखा हुआ है ना उसे। और ओट्स डालने के बाद ना आंच को थोड़ा कम कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी ही देर में ये पककर हो जाएगा तैयार। तो देख सकते हैं आप, ये अच्छे से इसने पानी को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ धीमी आँच पर कम से कम 1 मिनट के लिए पकने देंगे और उसके बाद इसे देख लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये ड्राई हो चुका है। यदि आप इसे थोड़ा लिक्विडी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, मैं इसे थोड़ा ड्राई ही बना रही हूँ आज। ये देखिए, तैयार हो गया है हमारा सोया और ओट्स का बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। मैंने यहाँ डाल दिया है धनिया का पत्ता और थोड़ा सा ही नींबू का रस। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नींबू का रस इसमें डालने से। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है ओट्स और सोयाबीन का बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट, या फिर आप इसे इवनिंग स्नैक के रूप में भी ले सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यमी, प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट। इसमें मैंने थोड़ा सा चटपटापन लाने के लिए डाल दिया है ऊपर से पाव भाजी का मसाला और ऊपर से थोड़ा सा ऑनियन बारीक कटा हुआ डाला है और धनिया का पत्ता। और इसके बाद इसका टेस्ट हो जाता है डबल। तो लीजिए, तैयार है सोया ओट्स उपमा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।